उन पर काम किया जाएगा। अब हम ये देखते हैं, अब अगले तीन तरह के हो गए तो उसमें काम करने के ग्रुप भी अलग अलग बनेंगे ना, उसका तरीका भी अलग अलग होगा। तो जब प्रभाव पूर्ण आकलन की बात होती है तो प्रभाव पूर्ण आकलन में किस तरीके से ग्रुप बनते हैं? आकलन करने के बाद हम पहली दूसरी तीसरी क्लास में ग्रुप बनाते थे ना, यहां पे भी बनाएंगे, पर किस तरीके से ग्रुप बनेंगे? ये बनेगा ग्रुप वन और ये बनेगा ग्रुप टू। इसमें ये है ग्रुप वन में, अगर किसी बच्चे की पठन गति 45 शब्द प्रति मिनट से भी कम है और 25% से ज्यादा शब्द बच्चा गलत बोल रहा है तो वो आएगा ग्रुप वन। प्रभाव पूर्ण आकलन में क्या देखेंगे? पहले ग्रुप में आएगा अगर किसी बच्चे की पठन गति प्रति 45 शब्द प्रति मिनट से भी कम है या 25% से ज्यादा शब्द बच्चा गलत बोल रहा है तो वो आएगा ग्रुप वन में। और ग्रुप टू में क्या आएगा? जिस बच्चे की गति 45 शब्द प्रति मिनट ज्यादा है। ठीक है जी, तो एक बार ये जरूर नोट कर लेना, अगर पठन गति 45 शब्द प्रति मिनट से भी कम है या 25% शब्द गलत पढ़ रहा है तो वो किसमें आएगा? ग्रुप वन। क्लियर है जी? और यहां पर क्या है, अगर उसकी गति 45 शब्द प्रति मिनट है उससे ज्यादा है ये आएगा ग्रुप वन और ये आएगा ग्रुप। समझ आ गया? अगर बच्चा ग्रुप वन में आता है, अगर उसकी पठन गति 45 शब्द प्रति मिनट से कम है या 25% शब्दों को वो नहीं बोल पा रहा, उससे भी ज्यादा शब्द गलत बोल रहा है तो उसको ग्रुप वन में रखा जाएगा। और उस पर किस तरह के काम किया जाएगा? उसको दूसरी और तीसरी जो अभ्यास पुस्तिका है उससे अभ्यास करवाया जाएगा, वो बुक्स दी जाएंगी जिससे वो अभ्यास कर पाए। आप समझ पा रहे हैं? उससे वो अभ्यास करेगा, क्योंकि हमें बच्चे को फिर पठन भी सिखाना है और बच्चे को समझ भी सिखानी है तो टीचर फिर उन चीजों पे काम करेंगे, पिछली क्लास की अभ्यास पुस्तिका उठाएंगे और उनसे हेल्प लेकर या अपना भी कुछ बना सकते हैं। तो बच्चे को वो जोड़ना पढ़ना बिल्कुल बेसिक चीजों से जहां उसकी कमी है उसको सुधारा जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। और यहां पे आप बच्चे को स्वतंत्र कार्य देंगे, ग्रुप टू में बच्चा स्वतंत्र तरीके से अभ्यास करेगा और ये बच्चे ग्रुप वन के साथ बैठ के उनकी भी मदद कर सकते हैं। ठीक है जी, लाइब्रेरी की भी सामग्री इनको दे सकते हैं, ये अलग अलग तरीके की यहाँ पे चीजें पढ़े कि इनकी रुचि भी बढ़े और ये पढ़ने में इनकी रुचि एक आदत भी बढ़े और रुचि भी डेवलप। ठीक है जी मैम, जैसे ग्रुप वन के लाइब्रेरी वो तो पीरियड सबके लिए है, वो फिर क्या करेंगे? वो 20 मिनट तो सभी के लिए है, वो तो स्वतंत्र है ना कि बच्चा कुछ भी करे, चाहे कुछ भी करे कैसा भी करे। वो अलग बात है कि टीचर का वहां पे काम बढ़ जाता है कि बच्चा, अब वो टीचर ना, जैसे मैंने आपको कोई बच्चे ने कोई बुक ले ली, वहां पे भी आपको बच्चे के स्तर के अनुसार बुक्स को रखना होता है लाइब्रेरी में, बंद अलमारी में नहीं रखना, बंद अलमारी में पुस्तक नहीं जाएगी। अगर बुक आपकी यहाँ पे ये शेल्फ में है या कहीं और भी है
तो उसमें क्या है, अगर बच्चे ने कोई बुक पढ़ी तो हम पता है क्या कर सकते हैं, बच्चे मान ले कोई कहानी की बुक ले ली पिक्चर वगैरह देख के, फिर हम बच्चे से ना वो बुक ले सकते हैं और बोलते हैं भाई ये बताओ बेटा इसमें आपने क्या पढ़ा, कुछ नया था, कुछ ऐसा था जो आपने अपने घर पे भी देखा था, कुछ गुब्बारे थे, कुछ कार थी, कुछ था, मतलब उसकी रुचि डेवलप करो, उसके बारे में चर्चा करो। या फिर कोई कहानी पढ़ी तो उसके उसका अभिनय वाला रोल दे दो कि इसमें जो जो था चलो अभिनय करके दिखाओ सारे, ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से डेवलप करें। कितनों से पूछोगे, एक एक के पास तो पूछेंगे नहीं ना। नहीं जब चर्चा करेंगे तो वो हर तरीके से बात करेंगे। जब सबको सेम बुक मिली 20 मिनट की तो 20 है ना मैडम। नहीं 20 मिनट तो है पर मैडम 5 मिनट नहीं, 5 मिनट आने के, 5 मिनट जाने के, 5 मिनट बिताने मैडम 20 मिनट होगी। सुनिए मैडम एक बार।